हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और जितना सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। और प्लीज़ नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और लाइक की भी, आप लोग लाइक नहीं करते हो, और वीडियो शेयर कर दिया करो, अच्छा लगे वीडियो। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैं 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे सुबह से लेके मैं शाम को 5 बजे तक क्या क्या करती हूँ, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और आज दिन है शुक्रवार, और आज इसलिए मैं ये ब्लॉग बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का ऑनलाइन जो क्लासेस आज ऑफ है, इसलिए क्योंकि आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस है। तो ऑल फ्रेंड्स को हैप्पी क्रिसमस एंड एंजॉय कीजिएगा आज का डे। और मोबाइल मैंने हाथ में ले रखा है इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है, माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, और बताती हूँ कि मेरा घर जो 10 बजे तक जो जिसकी हालत जो हो मतलब हो जाती है, उसके बाद ठीक करते करते सारा अरेंज करते करते मेरा जो पूरा 5 बज जाता है शाम को। और बीच में मैं ब्रेक लेती हूँ, काम तो है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर करना स्टार्ट करोगे तो ब्रेक लेना ही पड़ता है। तो चलिए मैं सारा टूर कराती हूँ अपने पूरे घर का, कितना गंदा हो रखा है। तो पहले स्टार्ट करती हूँ किचन से। तो ये है मेरा किचन, ये देखिए, ये है मेरा गैस एरिया। और ठंड के टाइम में जो है बहुत प्रॉब्लम होती है इन सारे चीज़ों को अरेंज करना, साफ करना। मैंने अभी तुरंत ब्रेकफास्ट और लंच जो है रेडी किया है। मेरे हस्बैंड जो है लंच लेके जाते हैं कभी कभी, तो आज वो लंच लेके गए हैं। ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। और बर्तन तो मत पूछिए, ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। करीब 3-4 टाइम मैं बर्तन धो लेती हूँ, और सिंक भी छोटा है इसलिए बहुत जल्दी फुल हो जाता है। ये देखिए, सो ये है मेरे किचन की हालत। और मेरे घर में टाइल्स नहीं बैठा है, तो यही हालत है मेरे घर का। और कोशिश करूँगी कि जल्द टाइल्स बैठ जाए, आप लोगों की दुआ से। प्लीज़ दुआ करना मेरे लिए। और ये है मेरा बेडरूम, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, डीप क्लीनिंग मैंने वीडियो जो है शेयर किया है। तो ये है मेरा बेड, और ये था अलना, मगर मैंने इसको कुछ अलग सा अरेंज किया है। और बच्चे जो नहा के गए हैं, कपड़े देखिए कैसे पड़े हुए हैं। और यही सारी हालत है सारे रूम की। अगर मैं पूरा रूम दिखाने लगूं आपको तो पूरे रूम की मेरी हालत ख़राब है। ये देखिए, मेरे बच्चे ने कपड़े बेड सारे फैला रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर पूरा रूम दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। फुल डे 10 to 5 PM डीप क्लीनिंग एंड ब्लॉग। तो पहले स्टार्ट करती हूँ किचन से। पहले मैं जो है पूरा किचन समेटूंगी, उसके बाद पूरा रूम धीरे धीरे समेटूंगी। और झाड़ू पोछा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो झाड़ू पोछा जो होता है मैं कट कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे गंदे बर्तन हैं फ्रेंड्स, और मैं जो है गंदे बर्तन का जो जूठा होता है उसे धो धो के वापस स्लैब पे रखती हूँ। और पहले सिंक को जो है साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से बर्तन को मैं धो के तब मैं वापस अपना प्लेटफॉर्म पे रखती हूँ, यानी स्लैब पे रखती हूँ। और जब बर्तन का पानी जो है सारा निकल जाता है तब मैं उसे अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने
धो के मैंने रख लिया है और अब मैं उसे मैजूंगी आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, सर्फ लगा के या साबुन लगा के जो मांजते हैं उसे मैं मांजना बोलती हूँ। तो मैंने मांज लिया है बर्तन और अब मैं उसे धो के वापस रखे रख रही हूँ। बर्तन धोने के साथ साथ जो मेरा काम होता है फिल्टर में पानी भरना, तो मैं फिल्टर को धो लूँगी और अभी साथ में पानी भर के जो है ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि पानी जो होता है आप भर के डाल दोगे तो निश्चिंत रहोगे कि पानी ऐसा चीज़ है जो एनी टाइम लगता है। और मैं आ गई हूँ बेडरूम में और सारे बेड को जो है समेट लूँगी और उसके बाद मैं समेटने के बाद जो जहाँ चीज़ें हैं मैं वहीं पर रख दूँगी और यही सारी चीज़ें करने के बाद फिर टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है और आप लोग समझ सकते हो डेली यही काम, हम लोग तो परेशान हो जाते हैं और आदत सी भी बन जाती है, क्योंकि अगर आपको एक दिन कोई बैठने के लिए बोल दे तो हम लोग से नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें जो है देख के भी आप हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है कि हाँ ऐसे ही छोड़ के और ऐसे ही लेते रहें और बैठे रहें, सो भी नहीं हो सकता है। डेली का जो होता है आदत बन जाता है और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, एक गंदगी हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखेंगे तो फिर से वापस से करने लगेंगे। तो मैं यहाँ जो है अपना बेड शीट चेंज कर रही हूँ, आज दोनों बेड का बेड शीट मैं वीकली चेंज करती हूँ 3 बार, मगर ठंड के कारण मैं वीकली एक ही बार अभी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और ठंड में कपड़ा धोने के बाद मेरी हालत तो आप लोगों को पता चल रही होगी, बहुत कोल्ड और कफ मुझे हो रखा है, बहुत दिन से ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मेरा बेड जो है मैं ठीक कर रही हूँ आप ही। और ये है मेरा आलना, तो आलना पे मैं जो है पहले कपड़े लटका के ही रखती थी, मगर ऐसा होता था ना जब गर्मियाँ आती है तो बहुत सारे मच्छर उसमें जमा हो जाते थे, तो मैंने बीच बीच में लकड़ी रख के और उस पर कपड़ा जो है लपेट के और कपड़ों को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया और कुछ सामान भी इसके नीचे जो है आ जाते हैं, तो पहले से काफ़ी अच्छा है। और मैं सोच रही हूँ कि कारपेंटर को बुला के इसका बीच में जो मैं लकड़ी फाइनली जो है मतलब तरीके से करवा दूँ तो ठीक रहेगा कपड़ा रखने में। और मैं आ गई हूँ और देखिए ये लोग जो है ना रोज़ बुक की यही हालत कर देते हैं, रोज़ लेते हैं निकालते हैं फिर वापस फेंक के रखते हैं और रोज़ यही हालत हो जाती है इसकी। एक दिन अगर आप नहीं मैनेज करो इसको, अगर अरेंज नहीं करो तो अजीब सा दिखते हैं। और ये नहीं आजकल के बच्चों में पता नहीं क्या है, ये नहीं कि अपना सामान खुद अपना अरेंज करके रखे, मतलब पढ़ते हैं और उसके बाद फेंकते हैं, ढंग से नहीं रखते और जब ज़रूरत होती है फिर आपको ही परेशान करते हैं। तो एक बार तो इसका रैक भी मुझे देखना ही पड़ता है, आप लोग बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, आप लोग बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरे बच्चे तो ऐसे करते हैं और मैं रोज़ समझा समझा के परेशान हो जाती हूँ मगर इन पर कोई असर नहीं होता है। तो अब आ गई है बारी झाड़ू की और आज मैं पोछा करूँगी मगर आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आप लोग तो फुल वॉच करते नहीं हो, पता नहीं इस ब्लॉग को भी आप लोग कितना 1 या 2 मिनट कितना टाइम वॉच करोगे, तो प्लीज़ हेल्प मी एंड वॉच माय वीडियोस, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर की और वॉच टाइम की, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी। और तो मैं झाड़ू कर लूँगी पूरे रूम में और पूरा घर झाड़ू करूँगी, रूम में नहीं।
रही झाड़ू की बात फ्रेंड्स, तो झाड़ू हमें तो दो टाइम करनी पड़ती है, अभी के टाइम और शाम के भी टाइम, और फिर वही रूटीन फिर कल इसी तरह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही सब करते करते सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 या 5 तो बज ही जाते हैं, पता नहीं कब टाइम जो है ख़त्म हो जाता है। तो मेरा यहाँ झाड़ू कंप्लीट हो गया है और मेरे बेटे के रूम में ही बाथरूम और ये बेसिन जो है सिंक एरिया मेरा यहीं पर है, और साइड से जो है आगे भी एक रूम है और साइड से भी निकलने के लिए एक रूम है। तो मेरा जो है लास्ट है झाड़ू का। और झाड़ू अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको झाड़ू करते करते बहुत सारा गंदगी दिखेगी ही, आपको दरवाजे और कोने और ऊपर नीचे मतलब जहाँ तहाँ आपको झाड़ू मार मार के साफ करना ही पड़ता है, और इसी तरह जो है टाइम बहुत ले लेता है। ये है मेरा लिविंग रूम, और लिविंग रूम तो कम ही गंदा होता है क्योंकि इस रूम में कोई आता जाता नहीं है और ऐसे ही बंद रहता है। और हम लोग जो लिविंग रूम से नहीं निकल के और सीढ़ी के रास्ते निकलते हैं, उस तरफ से भी मेरा एक दरवाज़ा है, तो मैं लिविंग रूम को बंद करके ही रखती हूँ, इसलिए जो है यहाँ थोड़ा कम गंदा होता है, बच्चे कम जाते हैं, कोई जाता ही नहीं तो इसलिए बंद रहता है और गंदा भी कम होता है। तो यही रूम है जो थोड़ा सा मुझे कम टाइम यहाँ लगता है और बहुत जल्दी हो भी जाता है। उसके बाद रहा बेसिन, बेसिन को तो रोज़ ही साफ करना पड़ता है, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, मतलब इतना गंदगी उसमें जमा हो जाता है, और वाइट कलर का बेसिन में तो ये होना ही है। तो बर्तन मेरे सूख चुके हैं, अब मैं इसे कर रही हूँ अरेंज, और इतना करते करते मेरा जो उस दिन का टाइम था मेरा 1 बज गया था, 1-1.5 बजे तक मेरा जो ये काम ख़त्म होता है। उसके बाद आता है मेरे नहाने की बारी। तो देखिए रूम जो है मेरा क्लीन हो चुका है, मैंने सब सेट कर दिया, आप लोग देखिए कितना जो डेली का ये मेरा काम जो है डेली ही होता है। तो ये मेरा बेडरूम मैंने क्लीन कर दिया, और जो सामान जहाँ रहता है मैंने वैसे कर दिया है, और ये है किचन आप देख सकते हैं पहले में और अब में, ये जो है हमारा डेली का काम है और डेली हमें ऐसा ही करना पड़ता है, क्या विंटर क्या समर और क्या मानसून, तो ये जो है हमारा डेली का रूटीन है, डेली का काम है, डेली हाउस डीप क्लीन रूटीन बोलेंगे तो ऐसा ही होगा इसका टाइटल। तो ये जो है डेली का हमारा काम है और डेली हमें ये करना ही पड़ता है। ये देखिए ये मेरे बच्चों का रूम है, इसे भी मैंने जो है सेट कर दिया है। और ये मेरा लिविंग रूम है, और ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं अभी। यहाँ एक टेबल मैंने लगा रखा है, तो ये भी जो है मैंने सेट कर दिया है। तो ये जो है डेली का रूटीन है, तो आगे मैं कंटिन्यू आपके साथ रहती हूँ। तो मैं फ्रेंड्स अब नहाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं अपना दूध गर्म करूंगी और पीऊंगी, और फिर मैं ब्रेक लूंगी, उसके बाद फिर शाम को उठूंगी तो कपड़े को लेके आऊंगी जो मैंने वॉश करके रखा है, और उसको फिर तह लगा के उसे जगह पर रखूंगी। तो यही मेरा जो है रूटीन है डेली का। तो ये रहा दूध, और मैं इसे उबालूंगी, उसके बाद जो है पीऊँगी गरम गरम दूध, ठंड है तो गुड़ वाला दूध तो बनता है। मैं लंच लेती नहीं, ब्रेकफास्ट करती हूँ और डिनर भी नहीं लेती हूँ। तो ये रहा मेरा दूध, और दो बज गए होंगे, 2 बज रहे थे और 2 बजे मैंने ये लिया, और उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, उसके बाद मैं फिर जो है कपड़े उठाऊँगी, फिर उसे तह लगाऊंगी, फिर रखूंगी। तो ये जो है मेरा 4 बज गया था, यानी 5 बज गया था, और उसके बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करूंगी, हस्बैंड आएंगे, चाय बनेगा, तो वो रूटीन जो है मैं कभी और शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये रहे कपड़े जो मैंने धो के सुखाए थे, और वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग वॉच भी नहीं करोगे,
तो ये ही है मेरा डेली का रूटीन। तो चलिए अब हम कपड़े को तह लगा लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे हम भी तो यही करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स, अपना अपना लाइफ, अपना अपना डिफरेंस। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उम्मीद क्या है, मुझे भरोसा है, एकदम विश्वास है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ अच्छे चीज़ों के साथ। तो ये रहा मेरा इवनिंग ग्रीन टी, आप लोग लेते हो कि नहीं तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा वीडियो। बाय बाय।